हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं माँ के लिए यही कहूँगा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो प्यारे बच्चों, आज का ये दिन है जिस दिन हम लोग सभी मातृ दिवस पर अपनी माँ को याद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। हम बिना माँ को याद किए एक भी पल, एक भी दिन व्यतीत नहीं कर सकते। आप सोचिए कौन सा ऐसा दिन रहा है आपके जीवन में जब आपने अपनी माँ को याद नहीं किया है। हर दिन हम अपनी माँ को याद करते हैं। और प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जिनके साथ उनकी माँ अभी नहीं होगी, इस दुनिया में नहीं होगी। तो मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को, क्योंकि उनके बिना एक पल भी रहना, एक दिन भी रहना कितना मुश्किल होता है। आप हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तब भी माँ उतना ही प्यार करती है, और जब हमारे पास बहुत पैसे हो जाते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए, फिर भी माँ वैसे ही प्यार करती है। माँ के लिए आपका धन, आपका इज्जत, आपका शोहरत, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। माँ के लिए तो बस मायने रखता है उसका बेटा, ठीक है, या फिर से बेटी। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन आप सभी लोग अपनी माँ, अपने पापा, सबके साथ में समय ज़रूर बिताइएगा। और स्पेशली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और बिहार के ही नहीं, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी माँ हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ आज, है ना। महान हैं जितने भी माएँ हैं, वो सभी महान हैं। आज वो ना होती तो इस दुनिया में हम आप कोई नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो माँ का दर्जा है वो सबसे ऊँचा है। कोई कह दे आपको कि आपका बेटा काला है, कोई कह दे आपका बेटा अच्छा नहीं है, पर आपकी माँ से जब पूछा जाएगा तो वो कहेगी कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है। एक तरफ आप कर दीजिए यहाँ पर, एक तरफ प्यारे बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर किसी हीरो का फोटो लगा दीजिए, और एक तरफ आप अपना फोटो लगा दीजिए, और अपनी माँ से पूछिए, माँ यही कहेगी कि मेरा बेटा ही सबसे अच्छा है, ठीक है। आप याद कीजिए, आपके बुरे वक्त में आपके दोस्त छोड़ के चले जाएंगे, आपके भाई छोड़ के चले जाएंगे, सब कोई चले जाएंगे, चाहे आप कितना भी गलत किए हों, चाहे आप जेल क्यों ना चले गए हों, लेकिन एक माता और एक पिता ही दो ऐसे लोग हैं जो आपके लिए वहाँ पर भी खड़े रहेंगे। हो सकता है कि आपको वहाँ पर मतलब मारे वो अपने से, कुछ बोल दे उल्टा पुल्टा, लेकिन वो हमेशा आपके लिए खड़े होंगे। आप एक ही गलती को 10 बार भी दोहरा के देखिए, आपकी माँ और पिताजी ही हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। याद कीजिए वो दिन जब हम अपनी माँ मतलब कि जहाँ माँ जाती थी उसके पीछे पीछे हम दौड़े चले जाते थे। अभी भी प्यारे बच्चों, हम कहीं जाते हैं अगर तो रोज ऐसा होता है कि डेली का डेली बात करना होता है माँ से, ठीक है। तो आज का दिन आप सभी के लिए स्पेशल है। आप सभी देख सकते हैं कि माँ के बिना दुनिया दुनिया ही नहीं है। किसी भी इंसान को देखें तो माँ के बिना, जब ये दिन कब याद आता है, जब आप अंदर से टूट जाते हो। जब तक जिंदगी अच्छा चला तो ठीक है, जब कभी प्रेशर में मतलब आ जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है, उस समय याद करना बच्चों माँ के, मतलब माँ देखो यहाँ पर, ये मेरी माँ है। आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी लोग कई बार देखे होंगे कि सर में सर की ये माँ है, ठीक है। माँ के सामने देखो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ प्यारे बच्चों। ये जो सुकून है ना, ये आपको करोड़ों रुपए में नहीं मिल सकता है, पैसे से आप इसको खरीद ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है उसके लिए प्यारे बच्चों बहुत दुख की बात है, क्योंकि माँ के बिना हम कह सकते हैं कि दुनिया में कल्पना भी बहुत, मतलब कल्पना भी करते हैं तो डर लगने लगता है कैसे रहा जाए, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं वही सारी लिखा है कि है ना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। कहते हैं माँ बच्चों 10 बच्चे को पाल सकती है, पर 10 बच्चा मिल करके माँ को नहीं पाल सकता। ऐसा आप देखते होंगे आजकल के समाज में जो हो चुका है, लोग माँ की कदर नहीं करते। जैसे ही उम्र हो गए, शादी विवाह होने का कदर नहीं करते, और लोग मुझे भी कहते हैं कि आप अभी तो इतना अच्छा है, और जैसे ही आपका शादी विवाह हो जाएगा तो आप भी बदल जाएंगे। लेकिन बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा और कभी होने भी नहीं देंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपनी माँ को, हम स्टेटस में लगाते हैं अपनी फ़ोटोज़ को, दूसरे की फ़ोटोज़ को, लेकिन अपनी माँ के साथ समय बिताइए और उनकी फ़ोटो को स्टेटस में लगाइए, है ना, क्योंकि उन्हीं के कारण से आज इस धरती पर आप हैं। ये माँ की देखिए फ़ोटो आपके सामने है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मेरे पास तो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर के मैं अपनी माँ को दिखा सकता हूँ, और आप लोगों में से अधिकांश के पास ऐसा कुछ नहीं है। आगे बच्चों देखिए, माँ के साथ मेरी पुरानी तस्वीरें हैं जो मैंने खिंचा करके कभी फेसबुक पर मैंने डाला था, कभी यूट्यूब पर भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये तस्वीरें हैं माँ के साथ में, ठीक है, है ना। और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत शर्म करते हैं कि अपनी माँ का फ़ोटो लगाएं, कैसा होगा नहीं होगा। बच्चों आप शर्म करते हो, लेकिन आप सोचो, आप जो भी आपका शक्ल और सूरत है, जैसे भी आप हैं, वो अपनी माँ की वजह से हैं, ठीक
ठीक है, उन्हीं का जीन है, अगर आप बायोलॉजी में भी देखें तो उन्हीं के माता पिता के जीन से आप बने हैं, ठीक है। तो कभी भी इस बात का आप ये ना सोचें कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है या फिर ऐसे कुछ, कुछ भी नहीं, जो भी है वही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे माँ के लिए आप सबसे सुंदर हैं, आपके लिए भी आपकी माँ ही इस धरती की सबसे सुंदर है ना, सुंदर महिला होनी चाहिए, सबसे सुंदर महिला, ठीक है ना। आइए अब आगे देखते हैं यहाँ पर से। ये जब आप लोगों का प्यार से एक लाख यूट्यूब पर हुए थे, उस समय भी मैंने मम्मी पापा के साथ फोटो डाला था, मेरे पिताजी हैं, मम्मी हैं, ठीक है। यहाँ पर होली के दिन आप लोगों के सामने ये फोटो आया होगा, पिताजी हैं, मम्मी हैं, ये बीच में मैं हूँ, ठीक है। तो ये वो पल है जब आप दुखी होते हैं, तो यही वो पल है जो आपको सुकून देता है, सुकून दुनिया में और कुछ भी नहीं। प्यारे बच्चों ये वही है जब है ना, शायद 1 या 2 लाख में पिताजी हैं, 4 लाख है ना ये, हाँ 3 लाख, हाँ 3, जब 3 लाख यूट्यूब पर अपना परिवार हुआ था उसमें मैंने मम्मी और पापा के साथ ये फोटो खिंचाया था। देखिए इसके सामने क्या है बताओ, कुछ है, कुछ भी नहीं है संसार का। जब आप बीच में खड़े हों और आपको जन्म देने वाले दोनों तरफ खड़े हों, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और आज के दिन तो ये छठ पूजा में मम्मी के साथ जब घाट पे गया था मैं, तो माँ और मैं, ठीक है। तो कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने शेयर कर दी हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि क्या इंपॉर्टेंट है माता का पिता का हमारे जीवन में, क्या इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी वीडियो में बस यही बताना चाहता था बच्चों कि हमेशा कुछ भी जीवन में ऐसा मत करना जिससे आपकी माँ के दिल को ठेस पहुँचे, माँ को दुख हो, माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जीवन में हमेशा कुछ ऐसा करना बच्चों जिससे आपकी माँ को गर्व हो आपके ऊपर कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे लिए मतलब अच्छा कर रही है, ठीक है। आप चाहे बुरा भी करोगे तो बस दो ही इंसान इस धरती पर, याद रखना बच्चों, याद रखना। कितना भी हो जाए, हम लोग क्या करते हैं इस एज में आकर के हम रिलेशन में हो जाते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए अगर मैं लड़का हूँ तो कोई खास पार्टिकुलर लड़की है वो हमारे लिए सब कुछ है। लड़की को ऐसा लगता है कि लड़का है वो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन जब एक दिन आपका लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो आप याद कीजिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपके लिए माँ और पिता, ठीक है। तो दुनिया में सब चीज़ें हैं उसके बाद होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके पिताजी और आपकी माँ होती हैं। और आज का दिन माँ के लिए प्यारे बच्चों स्पेशल है, तो माँ के साथ ज़रूर दो मिनट बिताना, बैठना जी कम से कम, ठीक है, बैठ करके उनसे पूछना क्या उनके हाल चाल हैं, कुछ अच्छा खाने का हो तो ज़रूर साथ में खाना बच्चों, ठीक है। लव यू सभी को, और इस वीडियो के माध्यम से जो भी माएँ मेरी वीडियो को देख रही हैं आप सभी को हमारा नमस्कार है, ठीक है। ज़्यादा इमोशन हो जाएगी, धन्यवाद आप सभी का।